जब से गैर हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो कब्र सुनेगा तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे? वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? एब्सोल्युटली नॉट। आप मेरे से कोई और उम्मीद रखे थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIM और NAB में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद पशुओं को हमको एक गुलाम बनाने जा रहे हैं।